नमस्कार खम्बागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कृष्णा कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम विद्यालय में मनाया विदाई समारोह व वार्षिक उत्सव। बाकी तहसील कनवास के चुनाव संपन्न, सर्वसम्मति से मोहन लाल चौधरी बने अध्यक्ष। छत पर लगे टावर को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन। कृषि मंडी सचिव इटावा का भाग्य ने किया स्वागत। वीप बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार विपुलदा को दिया ज्ञापन। जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई, लोगों की समस्याओं को सुनकर किया समाधान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृष्णा कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम विद्यालय इटावा में आठवीं कक्षा के छात्रों का विदाई एवं वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्य अतिथि जमुना शंकर कुशवाह रहे। विशिष्ट अतिथि भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता उमाशंकर नागर नरेन्द्र सोनी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमान शंकर कुशवाह ने कहा कि छात्रों को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान लक्ष्य पर रहना चाहिए। प्रवक्ता उमाशंकर नागर ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए विचार प्रकट किए। बच्चों ने इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक के माध्यम से भ्रूण परीक्षण न कराने का संदेश दिया। वहीं कविता व सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति ने उपस्थित सभी को भाव विभोर व गदगद कर दिया। अंत में स्कूल संचालक प्रमोद नागर ने सभी का अभिवादन आभार प्रकट करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आज से प्रतापगढ़ जिले के सभी होटल नाश्ता बनाने वाले व्यापारियों को खुले में कोई भी खाद्य सामग्री नहीं रखने, साफ सफाई रखने, डस्टबिन रखने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए, जिसकी पालना में आज से पूरे जिले में अभियान का आगाज किया गया। जिला कलेक्टर डॉ अंजलि राजौरिया द्वारा दिए गए निर्देश में आज सुहागापुरा पीपलकुंड क्षेत्र में विभिन्न होटलों दुकानों का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही खराब हुई खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया तथा खुले में रखी हुई खाद्य सामग्री कचौरी समोसे जलेबी आदि को शोकेस में रखने या स्टील की जाली से ढकने हेतु पाबंद किया गया। जिन दुकानदारों के दुकान के बाहर हमारे 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू चीज नहीं बेची जाती है, ऐसा चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने वाले व्यापारियों के कोटपा अधिनियम के तहत चालन भी काटे गए। सुहागपुरा स्थित देव रेस्टोरेंट पर मौके पर ही संभाग आयुक्त नीरज के पवन द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए, जिस पर जलेबी रिफाइंड सोयाबीन तेल कचौरी का नमूना लिया गया, जिसे जांच हेतु लैब में भिजवाया गया तथा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल 5 नमूने लिए गए। आज हुई कार्यवाही में श्रीमान संभाग महोदय श्री नीरज के पवन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा, सहयोग गोपाल कुमावत, सुरक्षा गार्ड लोकेश माली, राधे श्याम रैदास उपस्थित थे। संवाददाता यूनस की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला कोटा तहसील कनवास के त्रिवार्षिक चुनाव सोमवार को देवले मांझी कस्बे में माली समाज की धर्मशाला में संपन्न हुए। पूर्व तहसील अध्यक्ष अश्विनी जैन ने बताया कि जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी तथा जिला कोषाध्यक्ष रूप नारायण यादव चुनाव अधिकारी बनाए गए थे। इस दौरान मोहन लाल चौधरी अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए तथा रणवीर सिंह पनाहेड़ा पर उपाध्यक्ष मंत्री धनलाल प्रजापति, लक्ष्मी नारायण जैविक प्रमुख, राहुल चौधरी युवा प्रमुख, सह युवा प्रमुख लोकेश मेहता, कुराड माणक चंद नागर, विद्युत प्रमुख नरेंद्र नागर, सिंचाई प्रमुख हरि नारायण, विपणन प्रमुख सज्जन सिंह, गौ सेवा प्रमुख महावीर, मालव सहकारी प्रमुख लाल किशन, राजस्व प्रमुख भीमराज वर्षा, जल प्रमुख महावीर सुमन खजूरी, पर्यावरण प्रमुख उमेश कुमार, सह मंत्री रवि गौड़ा, सह राजस्व प्रमुख नियुक्त किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी इटावा के नवनियुक्त सचिव दिवाकर दादीज के पदभार ग्रहण करने पर भारतीय किसान संघ इटावा के कार्यकर्ताओं ने मंडी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रवक्ता गिरिजाशंकर गुप्ता के नेतृत्व में गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया व सभी ने शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष अशोक जांगीर ने बताया कि स्वागत के दौरान किसान कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी की कई समस्याओं को लेकर सचिव दिवाकर दादीज को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान तहसील प्रभारी गिरिजाशंकर गुप्ता, अध्यक्ष अशोक जांगीर, जिला समिति सदस्य भागचंद मीणा, खातोली मंत्री किशन गोपाल नागर, लाडली राम अवतार मीणा, सहमंत्री रमेश नागर, नेमसारा जिला युवा प्रमुख जितेंद्र कुमार नागर उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एक मोहल्ले के नागरिकों के एक दल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पड़ोसी की छत पर लगे मोबाइल टावर को हटवाने की गुहार लगाई। गुरुवार को मोचीवाड़ा मोहल्ले के पुरुष और महिलाओं का एक दल जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपनी समस्या से भरा ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मोहल्लावासियों ने बताया कि मोहल्ले में एक मकान मालिक ने मकान की छत पर मोहल्लेवासियों के विरोध के बावजूद 2 दिन में टावर लगवा दिया। मोहल्लेवासियों ने टावर से निकलने वाले रेडिएशन से और मानसिक नुकसान होने के साथ ही तेज हवाओं के चलने से टावर के गिरने और आसपास जान माल का नुकसान होने का अंदेशा जताते हुए जल्द से जल्द टावर को उस मकान की छत से हटाए जाने की मांग की है। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया? सर, हम यहाँ पे कलेक्टर साहब से मीटिंग करने आए थे, हमारे ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, हमारे उधर बाजार में घनी आबादी में एक टावर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हमको यानी कि ये डर है लोगों को कि कहीं मतलब कुछ बीमारी हो जाए रेडिएशन से या कुछ भी टावर गिर जाए, ये खतरा लग रहा है। इसकी वजह से हम यहाँ पे साफ से मिलने आए थे और ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मेरा नाम नीता पंचाल है सर। सुल्तानपुर क्षेत्र के मंडवारा कस्बे में श्री बांके बिहारी प्रभात फेरी मंडली के तत्वाधान में क्षेत्र की खुशहाली अमन चैन को लेकर मंडवारा श्री गणेश मंदिर से 5 दर्जन से अधिक महिला पुरुष यात्री रवाना हुए। यात्रा संयोजक दुर्गा शंकर नागर आचार्य गुज्जर ने बताया कि कार्यक्रम में देहात कोटा व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष कन्हैयालाल गुज्जर, बलवंत यादव पुलिस विभाग ने यात्रियों को तिलक माला व दुपट्टा पहनाकर मंडवारा बस स्टैंड से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर रवाना किया। इस अवसर पर दुर्गा शंकर नागर, बालचंद नागर, महावीर नेता आदि उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड इटावा के प्रखंड संयोजक पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कोटा संभाग भर में बढ़ रहे लव जिहाद धर्मांतरण और जिहादी गतिविधियों को रोकने के लिए तहसील पिपलदा कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वाले में बजरंग दल जिला सह संयोजक चेतन सुमन, प्रखंड मंत्री सतीश सोनी, प्रखंड उपाध्यक्ष गिरिराज पारेता, प्रखंड प्रचार प्रमुख पवन जैन, खंड सुरक्षा प्रमुख राहुल डागर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सकट क्षेत्र के राजपुरा बड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में गुरुवार को राज्य सरकार के निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम सरपंच अंजना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। विद्यालय के प्रधान आचार्य प्यारेलाल जाटव ने बताया कि राज्य सरकार के निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यालय में सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली 93 छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि सरपंच अंजना शर्मा ने सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल योजना में लाभान्वित छात्राओं और साइकिलों को तिलक लगाकर छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। इस दौरान निःशुल्क साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। विद्यालय के प्रधान आचार्य प्यारेलाल जाटव ने बताया कि विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए सरकार द्वारा साइकिल के अतिरिक्त उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी सहित अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए छात्राएं अधिकतम अंक प्राप्त करके इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस मौके पर विद्यालय के व्याख्याता मामराज मीना, लोकेश कुमार शर्मा, इंद्राज मीना, योगेश तिवारी, गंगाराम धाकर, सुरेंद्र शर्मा, हेमंत भारद्वाज, मुकेश सैनी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।
कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने गुरुवार को इटावा पंचायत समिति परिसर इटावा में आमजन से जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। नवनियुक्त जिला कलेक्टर के पहली बार पहुंचने पर स्थानीय ब्लॉक के अधिकारी ने अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना, जिस पर 21 परिवार समस्याओं के प्राप्त हुए, जिनके समाधान के निर्देश दिए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी लोगों की समस्याओं का समयबद्ध रूप से त्वरित समाधान करें। इस अवसर पर इटावा पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना पहुंचे, लेकिन कुर्सी नहीं होने के कारण वह नाराज होकर जनसुनवाई से वापस लौट गए। इसके बाद अधिकारियों ने प्रधान की नाराजगी के बाद कुर्सी लगाई और वापस बुलाया, जिसके बाद प्रधान रिंकू मीना वापस आए। प्रधान रिंकू मीना ने जिला कलेक्टर को मुख्यालय पर पटवारियों के नहीं रहने, किसानों को गिरद्वारी मिलने की समस्या सहित कृषि उपज मंडी में 3 शेड खाली कराने सहित कई समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र समाधान की मांग की। वहीं जनसुनवाई का स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्व में लोगों को सूचना नहीं देने से काफी कम संख्या में लोग पहुंचे और कुर्सियां खाली रही। इस मौके पर इटावा एसडीएम नीता वसीता, तहसीलदार अरुण कुमार सिंह, डीएसपी शिवम जोशी सहित सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कृष्णा कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम विद्यालय में मनाया विदाई समारोह व वार्षिक उत्सव। बाकी तहसील कनवास के चुनाव संपन्न, सर्वसम्मति से मोहन लाल चौधरी बने अध्यक्ष। छत पर लगे टावर को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन। कृषि मंडी सचिव इटावा का भाकिस ने किया स्वागत। वीप बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार विपुलदा को दिया ज्ञापन। जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई, लोगों की समस्याओं को सुनकर किया समाधान। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।